तो यशोदा मैया सोचती है कि ये कृष्ण बार बार बाहर जाके क्यों चोरी करके माखन खाता है। ये घर की सेविका शायद माखन ठीक से नहीं निकाल रही, तो इस बार माखन मैं निकालूंगी। तो खुद ही वो दही को मथने लगती है। तो उस समय कृष्ण आते हैं और यशोदा को कहते हैं कि मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दो। तो यशोदा मैया जो है वो काम को छोड़ देती है और कृष्ण को गोदी में लेकर अपना दूध पिलाना शुरू करती है। जब मैया दूध पिला रही थी तो अचानक उसको याद आता है कि उसने चूल्हे पे दूध को गर्म करने के लिए रखा था और वो उबल रहा है। तो जैसे ही उसको ये पता चलता है वो कृष्ण को नीचे रख देती है और दौड़ कर जाती है उस दूध को संभालने के लिए। तो कृष्ण को इतना गुस्सा आता है कि मैया ने मुझे नीचे रख दिया एक साधारण दूध के लिए। तो गुस्से में एक पत्थर उठा के एक वहां पे घड़ा होता है दही का, उसको जोर से मार देते हैं और वो घड़ा टूट जाता है और घड़े में से सारा दही जो है वो पूरे कमरे में फैल जाता है। जब कृष्ण देखता है कि पूरे कमरे में दही दही हो गया है तो वो डर जाते हैं कि अभी मैया अगर आएगी बहुत पिटेगी, तो इसीलिए वो दूसरे कमरे में छिप जाते हैं। तो उस कमरे में कुछ माखन होता है तो वो माखन खाने लगते हैं और कृष्ण जो है वो बंदर को भी माखन खिलाते हैं।